दो तरह की लड़कियां होती है ब्रो, है ना, दो तरह की, और अपने को दोनों से दूर रहना है। तो हे गाइस, इट्स मी संजू, वेलकम बैक टू अस कमिक्स। दोस्तों, प्रीव्यू में दिखाए हुए स्टेटस वीडियो को आप लोग अगर क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना है। मैं बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा सारा कुछ। देखिए, इस वीडियो को बनाने के लिए आप लोगों को फर्स्ट टर्बो हिपन एप्लीकेशन का जरूरत है। इस एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन के अंदर जाकर टैप टू कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस, कैपकट एप्लीकेशन की जरूरत है। ये एप्लीकेशन आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर पिन किया मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, लिंक वर्क ना करें तो एस्कमिक्स ऑफिशियल सर्च करके भी जा सकते हो। तो गाइस, आप लोग क्या करना है, अब कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करें। ओपन करते ही गाइस कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। तो गाइस, अब आप लोगों को क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट जो है इस पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद गाइस, एक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, 8 सेकंड का एक वीडियो रहेगा, इससे आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके ऐड कर लीजिए। ऐड करते देखिए यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब लास्ट में देखिए एक वाटरमार्क रहेगा, इस पर क्लिक करो, उसको नीचे डिलीट का जो बटन है इस पर टच कर लीजिए, तो डिलीट हो जाएगा गाइस। अब आप लोग क्या करना है, ऑडियो ऐड करना है। तो ऑडियो ऐड करने के लिए एक वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करके रखूंगा, उससे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद ऐड ऑडियो जो है इस पर एक बार क्लिक करें। उसके बाद एक्सट्रैक्टेड पर क्लिक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर एक्सट्रैक्टेड, इस पर क्लिक करें। उसके बाद 18 सेकंड का एक वीडियो रहेगा, इससे आप लोग ऐड करते ऑडियो जो है नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करना है, इस वीडियो को बनाने के लिए 8 फोटोज की जरूरत है। तो फोटोज ऐड करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए साइड में प्लस का आइकोन है, इस पर क्लिक करें। उसके बाद गाइज, आप लोग फोटोज पर जाना है। यहाँ पर देखिए फोटोज, इस पर जाने के बाद गाइज, आप लोग गैलरी से 8 फोटोज सिलेक्ट कर लीजिए। तो गाइज, आप लोग को इस तरह से फोटोज को सिलेक्ट करना है। ठीक है गाइज, तो देखिए इस तरह से आप लोग को फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो 8 फोटो आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ऐड पे क्लिक करते देख सकते हो 8 फोटो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब आप लोगों को सभी फोटो को फुल स्क्रीन में करना है। तो इस तरह से फोटो पे क्लिक करें, दोनों फिंगर से जूम करके फुल स्क्रीन में करें। इस तरह से गाइज, आप लोग को फोटो पे क्लिक करना है, जूम करके फुल स्क्रीन में करना है। ठीक है गाइज, ये बहुत ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस मैं कर लेता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर मैंने सभी फोटो को फुल स्क्रीन में कर लिया हूँ। अब गाइज, आप लोगों को क्या करना है, सभी फोटो को बीट के अकॉर्डिंग कट करना है। तो गाइज, आप लोग ये पोर्शन ध्यान देकर देखिए। फर्स्ट फोटो का ड्यूरेशन होगा 1.4 सेकंड। ठीक है, तो गाइज देखिए 1.4 सेकंड हो चुका है। सेकंड फोटो का ड्यूरेशन होगा 1.2 सेकंड। तो गाइज, फर्स्ट फोटो का ही ड्यूरेशन 1.4 सेकंड होगा, उसके बाद जितने भी फोटोज है सभी फोटो का ड्यूरेशन 1.2 सेकंड करके होगा। तो देखिए यहाँ पर सभी फोटो को मैं 1.2 सेकंड करके कर लेता हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से सभी फोटो का ड्यूरेशन 1.2 सेकंड करके कर लीजिएगा। एंड लास्ट वाला जो फोटो है इसका ड्यूरेशन होगा 0.8 सेकंड। ठीक है गाइज, तो इतना तक हो जाने के बाद आप लोग क्या करना है, सभी फोटो में एनिमेशन ऐड करना है। तो आप लोग क्या करना है, देखिए फर्स्ट फोटो पे क्लिक करना है, नीचे एनिमेशन का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। उसके बाद गाइज, कॉम्बो करके यहाँ पर एक मिलेगा, देखिए कॉम्बो है, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने में थोड़ा सा स्लाइड करते आप लोग को यहाँ पर 100 इन करके मिलेगा। देखिए ये जो है इसको फर्स्ट फोटो में ऐड करें। नेक्स्ट फोटो में गाइज, 100 आउट को जो है इसे ऐड करना है। तो गाइज, आप लोगों को ये जो 100 इन है एंड 100 आउट है, इसको ऑल्टरनेट करके सभी फोटो में ऐड करना है। तो इस तरह से फर्स्ट फोटो में 100 इन को ऐड करें, नेक्स्ट फोटो में 100 आउट को ऐड करें। तो गाइज देख सकते हो, लास्ट तक मैंने एनिमेशन ऐड कर लिया हूँ। तो एनिमेशन ऐड हो जाने के बाद गाइज, आप लोग क्या करना है, देखिए दो फोटो के बीच में एक बॉक्स वाला आइकन है, इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज, आप लोगों को यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा लाइट इफेक्ट, इस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को जो ब्लेंड करके ऑप्शन मिलेगा इस पर टच कर लीजिए। ये जो बार है इसको 0.2 कर लीजिए एंड अप्लाई टू ऑल नीचे देखिए यहाँ पर है, इस पर क्लिक करते गाइज सभी फोटो में ये फ्लैश इफेक्ट ऐड हो जाएगा। अब आप लोग को इस फोटो में वीडियो में HDR इफेक्ट देने के लिए आप लोग को बैक आना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करें। उसके बाद गाइज, आप लोगों को यहाँ पर एक देखिए स्मार्ट शार्पन करके मिलेगा, इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद गाइज, इसे खींच के वीडियो को लास्ट तक कर लीजिए। तो गाइज, आप लोग देख सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा HDR हो रहा है तो आप लोग कम ज़्यादा भी कर सकते हो। नीचे एडजस्ट का ऑप्शन दिया जाता है, तो आप लोग इस पर क्लिक करें। शार्पन को आप लोग थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, या तो गाइज सभी को आप लोग थोड़ा बहुत रिड्यूस कर लीजिएगा। और गाइज, इस वीडियो में कुछ भी नहीं करना है, मैं यहाँ पर ऑडियो के बिना प्ले कर रहा हूँ। आप लोगों के साथ सुनना चाहता हूँ तो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइज, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो गाइज, आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।